मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 28 नवंबर यानी कल मतदान होने हैं, तो वहीं प्रदेश में सुरक्षा को लेकर की चाक चौबंद बढ़ा दी गई है। खास करके नक्सली इलाके से प्रभावित बालाघाट जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ड्रोन और हेलीकॉप्टर से की गई है। सुनिए सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना है जयदेवन पुलिस अधीक्षक बालाघाट के। हमारे बालाघाट जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान कल शुरू हो रहा है। आज से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से सभी मतदान पार्टी रवाना हो जाएगी और मतदान पार्टी आज शाम तक सभी मतदान केंद्र में पहुंच जाएंगे। तो वो सेफली पहुंचने के लिए स्पेशली नक्सल क्षेत्र में सभी रोड पे आरओपी पार्टी लगी हुई है, रोड ओपनिंग पार्टी। और इसके अलावा सभी बूथ में, सेंसिटिव बूथ में 3 या 4 सेंसिटिविटी के हिसाब से वहाँ बल की तैनाती बढ़ा दिया गया है। और इसके अतिरिक्त हमारे हॉक फोर्स और हमारे यहाँ सीआरपीएफ बल, बीएसएफ, आईटीबीपी जो बाहर से आए हुए हैं, इन लोगों का एरिया डोमिनेशन में सभी जगह पे जंगल क्षेत्र में सर्चिंग, कोम्बिंग ऑपरेशन वगैरह लगातार चल रही है। और बीडीडीएस टीम के द्वारा आईईडी और क्लेमोर माइंस का डिटेक्शन वगैरह किया जा रहा है। और इसके अलावा ड्रोन्स, 10 ड्रोन्स हम स्पेशली सभी सेंसिटिव बूथ में डिप्लॉय किए हैं और ड्रोन के द्वारा सेंसिटिव बूथ के चारों तरफ निगरानी रखा जाएगा। चॉपर भी बुलाया गया है सुरक्षा निगरानी रखने के लिए। हाँ, एक वायुसेना का एक चॉपर हमें प्रदान किया जा रहा है और आज से हमको प्रदान किया जाएगा। और उसके साथ हम इमरजेंसी और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए हमने प्लान किए हैं। और इसके साथ साथ और निगरानी भी रखा जाएगा, एरियल सर्वे भी जो चॉपर मिल रही है उसके द्वारा किया जाएगा। सर, कितने ऐसे बूथ हैं जिसको एकदम संवेदनशील माना गया है? सो हमारे यहाँ 1637 पोलिंग बूथ है, उसमें से 238 नक्सल पोलिंग बूथ है। सो 238 सेंसिटिव माना जाता है और इन पोलिंग बूथ में सीएपीएफ बल का तैनाती बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि जिले में नक्सल प्रभावित विधानसभाओं में आसमान से नजर रखी जाएगी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।